दोस्तों क्या आपका ही बिजली का बिल पेमेंट्स करने पे मैसेज नहीं आता है? आपके बिलर के द्वारा जब भी आपका बिल जनरेट किया जाता है उस टाइम भी आपको मैसेज प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या होता है, जब भी अपने बिल का भुगतान करते तो उस टाइम आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाता है कि हमारा बिल पेमेंट्स हुआ कि नहीं हुआ, आपको मैसेज ही प्राप्त नहीं हो पाता है। और जब भी आपके लोकल का आपका बिलर जब भी आपका बिल जनरेट करता है उस टाइम भी आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाता है कि हमारा कितना बिल आया हुआ है। इसके मुख्य कारण क्या होता है कि जब भी आप नया कनेक्शन करवाते हैं तो उस टाइम मोबाइल नंबर देना ही भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल नंबर गलत देते हैं, और कई बार ये भी होता है कि आपने मोबाइल नंबर दिया था बट आपका मोबाइल नंबर किसी कारण से वो बंद हो जाता है या खो जाता है, तो कई सारी समस्या आती है जिस कारण से आपको मोबाइल नंबर की समस्या आने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बिल्स का अपडेट नहीं मिल पाता है, कितना बिल आया हुआ, बिल भुगतान करने पर मैसेज प्राप्त नहीं होता है। साथ में आपको जब भी रिसीव वगैरह डाउनलोड करना होता है बिजली बिल की वेबसाइट से तो वहां पर भी ओटीपी की जरूरत पड़ती है, तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कई बार आपको अपने डिस्कॉम पे आपको दौड़ना पड़ता है, आपके लोकल के बिलर के पास जाना पड़ता है, तो आपका नंबर वहां पर अपडेट नहीं हो पाता। तो आज किसी की जानकारी शेयर करने वाला हूं कैसे आपको घर बैठे अपने स्मार्टफोन यानी अपने मोबाइल से ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, यदि वीडियो स्किप कर देते तो आपको जानकारी मिस होने, मैं आपको यहां पर प्रॉपर जानकारी शेयर करने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको लाइव दिखाते हैं कैसे आपको यहां पर मोबाइल नंबर अपडेट करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद आपको कोई भी अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। यदि आपके फोन में क्रोम ब्राउजर है तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और आपको गूगल में सर्च करना है UPPCL। यहाँ पर मैं आपको जो जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए है। यदि आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। यदि आप यूपी के कंज्यूमर हैं तभी इस मेथड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन या घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। तो यहां पर आने के बाद आपको जैसे ही सर्च करेंगे तो थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा UPPCL ऑनलाइन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको कई सारे फंक्शन मिल जाएंगे, तो आपको यहां पर अगर ये मोबाइल फोन में कर रहे हो तो आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। यदि आप सिस्टम में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर इसी मेथड से कर पाएंगे, लेकिन आप मोबाइल फोन में कर रहे हैं तो चाहे तो इसे डेस्कटॉप मोड भी रख सकते हैं या वैसे भी कर पाएंगे। तो आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहां पर जूम कर लेना है। जूम करने का आपको यहां पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहां पर अपना नया वाला अकाउंट नंबर भी जान सकते हैं, साथ में पेंडिंग जो भी एरिया स्टेट वो भी जान सकते हैं, और साथ में अपना पैन नंबर भी अपडेट कर पाएंगे, और साथ में नीचे ऑप्शन मिलता है अपडेट मोबाइल नंबर का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे तीन डिटेल पूछा जाएगा। पहला तो आपका डिस्काम नेम क्या वो आपको सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, और बिलर नेम को यहाँ पर फिलअप करना है। तो डिस्काम नेम में यहाँ पर कई सारे डिस्काम ऐसे कि पूर्वांचल मध्यांचल पैसा में तो आपको कई सारे आ जाते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्काम का नाम आ चुका है, यहाँ से डिस्काम सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैसे आपको आपको जानना है कि हमारा डिस्काम कौन सा है और हमें बिलर नंबर कहाँ से मिलने वाला है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो नीचे आपको यहाँ पर नोट्स का ऑप्शन में तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पर अकाउंट नंबर और डिस्काम नेम जान सकते हैं, तो वो भी अब मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आना, यहाँ पर जूम करेंगे तो जो भी आपके बिलर के द्वारा जब भी आपको रिसीव दिया था तो वहाँ पर ऊपर ही आपका डिस्काम का नेम मिल जाता है। तो मेरे केस में जो है वो पूर्वांचल विद्युत यहाँ पर है डिस्काउंट, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और साथ में नीचे आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर है जो कि यहाँ पर ब्लैक से ब्लर किया हुआ है, और साथ में यहाँ पर नाम होता है, एड्रेस वगैरह होता है, और यहाँ पर मीटर नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ की जरूरत पड़ने वाली, पहला तो डिस्काउंट नेम, डिस्काउंट नेम मिल गया है, साथ में अकाउंट नंबर भी यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर पड़ता है बिलर का। तो बिलर का आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑप्शन है मैं बिलर को दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये बिलर वाला है। ठीक है, ये जो बिलर नंबर लिखा हुआ है इसके सामने आप देख सकते हैं ये बिलर वाला है। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर बिलर नेम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ये बिलर नेम है जो 4747464030300, ये बिलर नंबर है। तो इस तरह अपने रिसीप्ट पे आप जान पाएंगे कि आपका कौन सा डिस्काउंट है, कौन सा बिलर नंबर है, कौन सा अकाउंट नंबर है। उसके बाद आपको आना है बैक, यहाँ पर आपको अपना डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बिलर नेम अकाउंट नंबर फिलअप करना है, बिलर नेम उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ चुका है, साथ में आपका पुराना वाला मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है, और यहाँ पर आपको न्यू नंबर डालने के लिए दे रहा है। नया नंबर आपको डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, आपको ओटीपी फिलअप करना है, ओटीपी फिलअप करना सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनली यहाँ पर नाम भी आ चुका है, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ, नाम आप पढ़ सकते हैं जिसको मैंने बलर कर रखा, और नाम आ गया यहाँ पर थैंक यू योर मोबाइल नंबर हैज बीन
अपडेट इज सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर विद इन सेकंड आपका यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो इस तरह आप घर बैठे ही अपने ही फोन से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। जैसे आप बिलर नेम, डिस्काउंट और अकाउंट नंबर डालेंगे तो वहाँ पर आपका पुराना वाला नंबर शो कर देगा, आपका पहले से कौन सा नंबर लिंक था। और यहाँ पर न्यू नंबर आपको डालना है, सेंड ओटीपी क्लिक करना, ओटीपी फिलअप करना, सबमिट करना। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका नाम भी आ जाएगा और आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका नंबर अपडेट हो चुका है। तो बस आपको यही छोटा सा जानकारी शेयर करना था। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी लग सके। किसी पर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और भी इसी प्रकार की आपको जानकारी लेना है, आपको यहाँ के प्राप्त है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह नई नई आपको जानकारी मेरे चैनल मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।